गुड मॉर्निंग गाइस, आज फिर दूसरा दिन है, आज 23 तारीख है। अभी उस होटल में ही है दार्जिलिंग में। अभी 9:30 बज रहा है, 9:45 हो गया शायद। तो ताला लगा के चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा चाय पी लेते। चाय इज इम्पोर्टेंट, दार्जिलिंग आए हैं, नहीं भी आते हैं तो चाय तो सुबह इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या बोलते हो गाइस? यस भौमिक, ये अभी भी नींद में। ठीक है, चलो। पूरी सब्जी अभी आ गया, ये खा के फिर निकलते हैं जहाँ पर भी जाना है। तो अभी निकलने का तो प्लान था, लेकिन बहुत बारिश गिरने लगा, इसलिए फिर से दो चाय मंगवा लिए हम दोनों। थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्या बारिश कब खत्म होगा और हम लोग घूमने निकलेंगे। ऐसे ही कोई प्लान नहीं था आज, इधर उधर ही भटकना था, वो भी कैंसिल हो गया। जो भी है देखते हैं। भौमिक और सोमदेव तो सो गया, हम लोग थोड़ा वीडियो ट्रांसफर कर रहे। इतना सारा वीडियो हो गया ना, मतलब 100-100 GB खत्म हो जा रहा है मेरा। 256 GB ओवरलोड हो गया अभी, देखते हैं कब निकल पाते हैं। 2000 years later अभी निकल चुके हैं, लगभग 2 बज रहा है 2:45 बजे अभी। निकलने का प्लान तो था बहुत पहले ही, लेकिन फिर से बारिश गिरने लगा, इसलिए हम लोग निकल ही नहीं पाए। अभी भी एकदम क्लाउडी है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, बस इतना ही है। जो भी है चलिए देखते हैं। आज का वैसा कोई एग्जैक्ट प्लान ही नहीं है, आज थोड़ा रिलैक्स मूड पे हम लोग, फिर भी देखते हैं क्या करते हैं। तो प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, प्लान बन गया सडन। हम लोग दो बाइक ले रहे, एक हिमालयन और एक क्लासिक, वो लेके साइड सीन पे चलते हैं, देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तभी ये आ गए हैं दार्जिलिंग स्टेशन पे। पूछेंगे कि इधर से टॉय ट्रेन मिलता है कि नहीं, ना मिलने का चांसेस ज़्यादा है, फिर भी पूछ लेते हैं एक बार। ये रहा ट्रेन का टाइमिंग और फेयर, जो भी है। आज कोई टिकट नहीं है, कल भी कोई टिकट नहीं है। एक बार परसों आके पूछने के लिए बोला है, एक बार देखते हैं परसों आके। लेकिन परसों तो हम लोगों को फिर से नीचे सिलीगुड़ी उतरना है, तो पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं। तो ये रहा यहाँ का स्टेशन से व्यू, देख लीजिए, बहुत प्यारा व्यू है। वहाँ पर एक टॉय ट्रेन खड़ा है, तो परसों आके एक बार देखते हैं। बहुत मन था एक बार टॉय ट्रेन पे उठने का, लेकिन शायद मौका नहीं मिलेगा इस बार। मिला तो नहीं, चलिए निकलते इधर से। सोमदेव और भूमि बाइक के पास ही खड़े हैं। जो दो बाइक लिए थे वो पार्क कर दिए, ये जो मैं चला रहा था हिमालयन और ये क्लासिक। उसके बाद अभी आ गए घूम मोनेस्ट्री के इधर, इधर खाना खाएंगे, बारिश भी गिरने लगा है, खाना खा लेते हैं। इसके बाद यहाँ से जाएंगे थोड़ा दूर, बारिश ना गिरे बस। ये बारिश आज का दिन पूरा बहुत ख़राब कर रहा है, बहुत ही ख़राब कर रहा है आज का दिन। बारिश थोड़ा तेज़ हो गया, अभी जाते हैं खाने के लिए। राणा को एक अच्छा जगह मिला है बोल रहा था, जाके देखते हैं। ऊपर है देखिए क्या जगह मिला है खाने के लिए। ये है खाने का होटल और यहाँ का व्यू देखिए, वाह 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 क्या व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। खाना आ गया, चलिए खा लेते हैं पहले। घर पे टाइम लैप्स के लिए मोनोपॉड पे फोन लगा दिए, आप लोगों को दिखाते हैं। तो खाना चल रहा है, तो कैसा लग रहा है खाना, कैसा है? फ्रेश है, गाड़ी वाला पूरा फील आ रहा है, मजा आ रहा है। फ्रेश तो है खाना। नमक का डिब्बा खोल गया, एक पहाड़ बन गया था इधर। जस्ट लुक एट द एम्बियंस गाइस, खाना बहुत देर पहले हो चुका है, आधा घंटा से ऊपर हो गया है, लेकिन इधर से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर कोई इधर से आए, ये ना मोनेस्ट्री है ना, ये वाला, इसके ठीक बगल में, हम दे देंगे पूरा एकदम होटल का नाम, हो सके तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, एक बार आ जाइए। और एक चीज़, हम लोगों का बिहेवियर इतना प्यारा है, हम लोग तब चाय पियेंगे, इतना देर खाना खा के हो गया कि चाय पीने का मन कर रहा है, जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है इधर। तो चाय लेके बाहर ही आ गए, इतना खूबसूरत व्यू है कि
अंदर बैठ के पीने का मन ही नहीं किया। An hour later. जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ फिर से, थोड़ा मेल के उधर जाएंगे। पीछे का एक व्यू देख के रोक गए, बाइक लेके लौट ही रहे थे, तो एक ड्रीम पूरा हो गया। मतलब बहुत खुश है अंदर से, बहुत दिन से एक ड्रीम था कि एक हिल स्टेशन में खुद का बाइक ले आना है, वो तो अभी हुआ नहीं, लेकिन आज सच्चे में एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो गया। चलिए ठीक है, तो गाइस अभी अभी बाइक वापस कर दिए, तो बाइक घुसा दिया है अंदर, वापस कर दिए। ये वाले दुकान से लिए थे, भैया का नंबर और नाम, हम कार्ड एक बार कार्ड दिखा दें। ये वाला कार्ड है, आप लोगों को शायद उल्टा दिख रहा होगा, जो भी हम यहाँ पे ना एक फ़ोटो खींच के पेस्ट कर देंगे, वैसे आप लोगों को पता चल जाए। बिहेवियर था हाँ, और मतलब एक काइंड बिहेवियर था और एकदम फ्रेंडली थे, बहुत ही फ्रेंडली थे। हम लोगों का थोड़ा नुकसान हुआ, हम लोग इतना बारिश के वजह से इतना देर से बाइक लिए ना, कि हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसमें हमारी गलती, मौसम की वजह से हमारी भी थोड़ा गलती था, इसलिए हम नहीं ले पाए। जो भी है, तो आप लोग अगर आइएगा यहाँ से बाइक लीजिए, रीजनेबल प्राइसेस में बाइक मिलता है, अच्छा कंडीशन में। जो भी बोलेगा, थोड़ा नेगोशिएट करिएगा तो थोड़ा कम कर देंगे भैया। और बाइक का जो हम लोग हिमालयन चलाए, उसका तो बहुत ही अच्छा कंडीशन है, नया ही है, 8000 किलोमीटर सिर्फ चला है, और क्लासिक भी ठीक ही था। यही था बस, आ जाइए यहाँ पर, कांटेक्ट कीजिए। तो आज का खाना हम लोग जहाँ पे रुके थे, जहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट किए थे, उधर ही खाएंगे। ये आ गया, तो गाइस आज का दिन खत्म हो गया, अभी डिनर भी हो गया, इधर पे होटल पे ही कर लिए जहाँ पर हम लोग रुके। सो आज तो ज़्यादा जगह कहीं एक्सप्लोर किए नहीं, लेकिन दिल का अरमान पूरा हो गया। मतलब बहुत दिन से इच्छा था मेरा कि पहाड़ पे बाइक चलाने का, जो आप लोगों को बोले, तो आज वो भी पूरा हो गया, तो अच्छा लगा आज का दिन। इतना तक आप लोग देख लिए है तो अच्छा ही लगा होगा आप लोगों को, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये एपिसोड 2 है, इसके बाद और एक एपिसोड है जो आएगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।